दोस्तों आप सभी लोग भी तो फेसबुक का इस्तेमाल करते ही रहोगे। सोशल मीडिया में फेसबुक एक ऐसा पॉपुलर एप्लीकेशन है जिसका इस्तेमाल हर कोई करता है और यहाँ पे आपको शॉर्ट वीडियो या मूवी के क्लिप वगैरह भी आपको देखने को मिल जाती है, जो काफ़ी अच्छा रहता है। यहाँ पर आप टाइम पास की वीडियोज़ भी देखते हो। आपको पता नहीं होगा कि आपके फ़ोन के जो इंटरनेट का डाटा होता है सबसे ज़्यादा आपका फेसबुक एप्लीकेशन ही यूज़ करता है। आप एक बार ट्राई भी कर सकते हैं, मैं यहाँ पर आपको लाइव भी दिखा आने वाला हूं कैसे आप इंटरनेट अपने फेसबुक से बचा सकते हैं। अगर आप दिन में सबसे ज्यादा फेसबुक एप्लीकेशन को यूज करते हैं तो आज का ये कंप्लीट वीडियो आप लोगों को देखना होगा, तो आप भी अपने इंटरनेट को बचा सकते हो। यहां पे आपको बहुत सारे ऑप्शन मिलते हैं, जैसे कि मूवी वगैरह की क्लिप जो होती है यहां से आप देखते ही रहोगे टाइम पास के लिए। तो क्या होता है, यहां पे आपका जो इंटरनेट है वो बहुत ज्यादा यूज होता है, तो आपको जो इंपॉर्टेंट सेटिंग बताने वाला हूं फेसबुक से उसे आपको कर लेना है। उसके बाद आप दिन भर फेसबुक को यूज करोगे फिर भी आपका इंटरनेट डाटा जल्दी खत्म नहीं होगा। दोस्तों अब फेसबुक के आपको पहले नंबर के सेटिंग के बारे में बताने जा रहा हूं जहां से आप अपने इंटरनेट डाटा को बचा सकते हैं। अब यहां पे आप जैसे ही स्क्रॉल डाउन करेंगे जितनी भी वीडियोस रहेगी वो ऑटोमेटिक ही क्या होता है यहां पे प्ले हो जाता है, आपको प्ले करने की भी जरूरत नहीं पड़ती है। आप यहां पे देखते हो प्ले हो जाता है। अब यहां पे प्ले हो जाता है मतलब आपको भी पता होगा कि इंटरनेट इसका यूज होना चालू हो जाता है। अब यहां पे कोई भी वीडियोस होएगा आप जैसे स्क्रॉल डाउन करके नीचे जाओगे तो यहां पे आप देखो जितने भी वीडियोस रहेगी ऑटोमेटिक ही प्ले होना चालू हो जाता है, जिससे इंटरनेट डाटा आपका यूज होने लगता है। तो आपको क्या करना है, सिंपली यहां पे प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है और यहां से सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे ही आप सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो यहां पे आपको नीचे एक ऑप्शन मिलता है देखने को मीडिया का, तो मीडिया वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। जैसे ही आप मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो यहां पर आपको नीचे आना है। अब यहां पर आपको देखने को एक ऑप्शन मिलता है ऑटो प्ले वीडियो, यहां पे आप देख सकते हो। तो यहां पे वाईफाई पे सेट रहता है तो आपको क्या करना है, नेवर ऑटो प्ले वीडियो पे क्लिक करना है। यहां पे आप क्या होएगा, ऑटो नेवर पे क्लिक कर दोगे तो इससे क्या होएगा कि आपका जो इंटरनेट डाटा है वो यूज नहीं हो पाएगा। कैसे नहीं हो पाएगा, अब यहां से हम बैक करते हैं। अब जैसे यहां से हम बैक कर लेंगे, अब कितना भी स्क्रॉल डाउन करेंगे ना तो यहां पे आपको प्ले का बटन दिखाएगा कि पहले वीडियो को प्ले करो। पहले क्या होता था, ऑटोमेटिक ही वीडियो प्ले हो जाता था, लेकिन अब यहां पे आप देख सकते हो आपको प्ले का आइकॉन देखने को मिलेगा। जब तक आप वीडियो को प्ले नहीं करोगे तब तक कोई भी वीडियो प्ले नहीं होगा, तो इससे आप इंटरनेट डाटा को बचा के रख सकते हैं। अब आपको दूसरे नंबर के सेटिंग के बारे में भी बताता हूं, जो के लिए आपको क्या करना है, सिंपली प्रोफाइल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। यहां से आपको सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। जैसे आप सेटिंग वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हो अगेन यहां पे आपको नीचे आना है, मीडिया वाले ऑप्शन पे ही आपको क्लिक करना है। जैसे आप मीडिया वाले ऑप्शन पे क्लिक करोगे यहां पे आपको सबसे ऊपर ही एक ऑप्शन देखने को मिलता है डाटा सेवर का, तो आपको क्या करना है, सिंपली डाटा सेवर वाले ऑप्शन पे क्लिक करना है। अगर आप यहां पर मूवी की क्लिप वगैरह देखते हो या इंटरटेनमेंट की वीडियोस देखते हो जो 30 मिनट की होती है, 15 मिनट की होती है, 20 मिनट की होती है, ऐसी वीडियोस अगर आप देखते हो तो आपको डाटा सेवर को ऑन करना है, क्योंकि यहां पे आप देख सकते हो साफ साफ लिखा हुआ है यूज्ड अप टू 40% लेस डाटा बाय रिड्यूस वीडियो क्वालिटी। यानी कि जो भी आप वीडियोस देखते हो ना उसकी क्वालिटी को रिड्यूस करके आपका 40% तक डाटा बचा सकता है। यानी कि आप सोच सकते हो आपका सिर्फ 40% डाटा यहीं से बचेगा, यानी कि 1 GB आपका डाटा अगर है तो वहां से आपका 400 MB तो ऐसे ही बच जाएगा, और बाकी तो आपने जो सेटिंग किया है उससे भी आपका कम से कम नहीं तो लगभग 20% तो वहां से भी आप बचा सकते हो, यानी कि टोटल हो गया 60%। यानी कि आप सिर्फ फेसबुक से ही 60% डाटा को बचा सकते हो। यहां पर आपको सिर्फ दो सेटिंग करना है, दो सेटिंग करने के बाद आप यहां पे कर सकते हैं, यानी कि दो सेटिंग करने के बाद 60% डाटा को बचा सकते हैं सिर्फ यहीं से। तो इस प्रकार से आप भी फेसबुक के सेटिंग को यूज करके इंटरनेट डाटा को बचा सकते हैं। अगर आप सभी लोगों को यह वीडियो पसंद आएगी तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हैं, ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।